हेलो गाइज, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहारी एजुकेटर में। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एसके झा सर का जो मैथ प्रैक्टिस सेट है उसके सेट नंबर 3 को। ठीक है, तो आइए देर न करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पर ही रहा। देखिए, बहुत ही सिंपल और लाजवाब क्वेश्चन है। दिया है कि अंडर रूट 1296 बराबर 36 है, तो आपको इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना का वैल्यू निकालना है। देखिए, यहाँ पर 1296 ही सब में है, लेकिन दशमलव को फेर बदल करके दे दिया गया है। तो आपको पता है कि अंडर रूट में अगर दो अंक के बाद दशमलव रहता है, जैसे यहाँ पर 100 लिखते हैं, तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, उसी प्रकार से अगर इसको हम 1296 बटे में अगर दशमलव हटाकर 100 लिख दिए, तो 100 का वर्गमूल हो जाएगा 10। तो एक अंक के बाद सुनना हो जाएगा, अरे मेरे दोस्त यहाँ पर समझो, ये 1296 है, ठीक है, बोलो है, और इसके बट्टे में हम लिख दिए 100 दशमलव हटा करके रूट अंडर। तो इतना का था वैल्यू, 36 दिया है, तो ये हो गया 36 और 100 का वर्गमूल 10, यानी कि 3.6। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर दशमलव दो अंक के बाद रहता है और रूट अंडर में, तो हम बाहर निकालते हैं तो एक अंक के बाद हो जाता है। ठीक है, बस यही फंडा लगा दीजिए, आपका क्वेश्चन बन गया। तो ये हो जाएगा 3.6। ये देखिए, 1, 2, 3, 4 अंक के बाद है, तो 2 अंक के बाद हो जाएगा, तो हो जाएगा 0.36। ये देखिए, 2, 2, 4, 2, 6 अंक के बाद है, तो 3 अंक के बाद हो जाएगा, 1, 2 और 3। ठीक है, 3, 6, यहाँ पर 3 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, तो 3, 6 यहाँ पर हो जाएगा 0 और ये दशमलव। ठीक है, और ये 4 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, तो दशमलव 0036। ठीक है, अब जोड़ लीजिए, हो गया 6, 6, 3, 9, 6, 3, 9, 6, 3, 9 और 3, यानी 3.9996। देखिए सिंपल है, थोड़ा सा आपको लॉजिक समझना है। तो आपका ऑप्शन बना 3.9996, यानी कि ए। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ। बोल रहा है कि एक पेन को 144 रुपये में बेचने पर अनुराग को क्रैमूल पर 1/7 की हानि होती है। यहाँ पर देखिए, 1/7 की हानि मतलब अगर 7 सीपी है तो 1 का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो 7 सीपी है और 1 का लॉस हो रहा है, तो एसपी कितना हो जाएगा? 7 में से 1, 6 एसपी हो जाएगा। ठीक है, बट क्वेश्चन में दिया है कि 144। यहाँ पर समझिए कि एक पेन को 144 रुपये में बेचने पर अनुराग को क्रैमूल पर 1/7 की हानि होती है। तो हमने यहाँ पर निकाला 6 यूनिट एसपी, लेकिन क्वेश्चन में दिया है 144, तो 6 यूनिट का मतलब कितना हो गया? 144। ठीक है, इतना तक तो समझ में आना चाहिए। तो कितना गुना है भाई? 24 गुना। ठीक है, 24 गुना। तो अब बोल रहा है कि यदि पेन को 189 रुपये में बेचा जाए तो परसेंटेज लाभ। ठीक है, तो सीपी में आप 24 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एसपी जो है 6 यूनिट का वैल्यू 124 है, 144 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 144 बटे में 6 यानी 24। ठीक है, तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 7 मल्टीप्लाई बाई 24, तो 24 7 आपका हो जाएगा 168। ये हो गया आपका सीपी, जबकि बोल रहा है कि 189 रुपये में बेच दिया, तो ये हो गया आपका एसपी। तो इसको कटा लो, 21 से जाएगा का 21, 8, 8 × 16, हाँ 21 से 8 बार में और 21 से 9 बार में, तो 8 आ गया आपका 9। तो कितना लाभ या हानि हुआ? तो लाभ होगा 1 का लाभ ओवर 8 मल्टीप्लाई बाई 100, तो 100/8 यानी कि 12.5%। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, आपको एक बार में समझ में नहीं आया तो दोबारा देख लेना। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन सेट में दिया गया है। बोला है कि 5 अंकों वाले टेलीफोन नंबर की कितनी संख्या बनाई जा सकती है, जबकि कम से कम एक अंक का प्रयोग दोबारा किया गया हो। देखिए, यहाँ बोल रहा है कि कम से कम एक अंक का प्रयोग दोबारा किया गया हो। अगर मान लेते हैं कि 5 अंक की जो भी संख्या बन रही है यहाँ पर, 1, 2, 3, 4, 5, तो 0 से लेकर 9 तक से हम बनाएंगे। तो यहाँ पर अगर रिपीटेशन को हम अलाउ कर देते हैं, मान लीजिए कि पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक है, रिपीटेशन इज अलाउड,
अगर मान लेते हैं कि पुनरावृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर 10 तरीका हो जाएगा सजाने का, यहाँ पर भी 10 तरीका, और यहाँ पर भी 10 तरीका, और यहाँ पर भी 10वें, और यहाँ पर भी 10वें। ठीक है, टोटल कितना हो गया, 10 के पावर 5 तरीका। ठीक है, इतना हो गया। अगर मान लेते हैं कि एक बेरी पुनरावृत्ति एक को बेरी इसका नहीं हो रहा है, यानी कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, यहाँ पर तो मान लिए कि रिपीटेशन अलाउड है, और एक बार मान लेते हैं कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन TITION, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ठीक है, तो ए माना 5, आपको 5 अंक की संख्या बनानी है, 3, 4, 5। तो इसके लिए तो 10 तरीका हो जाएगा, लेकिन इसके लिए 9वें तरीका होगा, क्योंकि रिपीटेशन को हम कह रहे हैं कि अलाउ नहीं करना है। ठीक है, तो इसके लिए 8 तरीका, ठीक है, इसके लिए 7 तरीका, इसके लिए 6 तरीका। अब आपका क्वेश्चन बन गया, बोल रहा है कि जबकि कम से कम एक अंक का जो पुनरावृत्ति है हो रहा है, यानी कि एक अंक का प्रयोग दोबारा हो रहा है, तो एक बार माने कि एक को अंक का प्रयोग नहीं हो रहा है, एक बार माने कि प्रयोग हो रहा है, यानी उपयोग हो रहा है इसका, बार बार आ रहा है। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा, अगर हम टोटल में से रिपीटेशन इज अलाउड में से अगर रिपीटेशन इज नॉट अलाउड को घटा देंगे, तो आपका आ जाएगा कि कम से कम एक अंक का प्रयोग दोबारा किया जा सकता है। इसको आप लोग समझिए कि यहाँ पर बोल रहा है कि 5 अंकों वाले टेलीफोन नंबर की कितनी संख्या बनाई जा सकती है जबकि कम से कम एक अंक का दोबारा प्रयोग किया गया हो। तो एक एक मान लिए कि एक को बार प्रयोग नहीं किया गया हो, ठीक है, यानी कि यहाँ पर माने हैं कि रिपीटेशन इज अलाउड ना, यहाँ पर माफ कीजिएगा कि मतलब कि पुनरावृत्ति हो रही है, सभी अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, तो 10 तरीका 10 तरीका, अरे 0 से लेकर 9 तक में संख्या आएगी, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इसको 10 तरीका 10 तरीका 10 तरीका 10 तरीका से, ठीक है, एक बारी मान लिए कि एक को अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, तो ये 10 तरीका हो गया। तो एक तरीका आप एक अंक नहीं लेंगे, एक तो अंक यहाँ पर सजा दिए, तो अब 9वें अंक से लेकर सजाएंगे, तो 9 तरीका, इसके लिए 8 तरीका, इसके लिए 7 तरीका, इसके लिए 6 तरीका। ठीक है, अब यहाँ पर निकालना रह गया कि एक भी अंक की अगर पुनरावृत्ति ना हो, यानी कम से कम एक अंक का दोबारा प्रयोग किया गया हो, यहाँ पर कम से कम एक अंक का दोबारा प्रयोग किया गया हो, दोबारा प्रयोग किया गया हो। तो अगर एक अंक का दोबारा प्रयोग किया गया हो तो कितना करेंगे, 10 में 10 के पावर 5 में से इसका मल्टीपल घटा देंगे, तो इसका मल्टीपल कितना हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 6। आप कैलकुलेशन तो भयंकर आ गया, लेकिन आप दिमाग लगाकर इसको मारिए। तो 10 के पावर 5 है, तो इसको लिखिए 1, 2, 3, 4, 5 और माइनस इतना। ठीक है, तो आपको पता है कि 10 है तो गुणा करेंगे, अंतिम में शून्य आएगा, यानी कि यूनिट डिजिटो शून्य होना चाहिए। तो शून्य यहाँ पर है, शून्य यहाँ पर है, शून्य यहाँ पर है, ये नहीं होगा। ठीक है, दूसरा बार में अगर देखा जाए तो 6 7 42 यानी कि 2 और 2 8 16 यानी कि 6 6 9 54 यानी कि 4। तो अगर 10 में से दूसरा बार 4 घटाएंगे तो 6 होगा, पहला यहाँ पर यूनिट डिजिट तो 0 हो गया, और 10th डिजिट क्या हो जाएगा इसका, 6 हो जाएगा। तो 6 किस में है, सिर्फ और सिर्फ सी में है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। ठीक है, क्योंकि डी को तो पहले ही छाट चुके हैं कि यहाँ पर 0 आना चाहिए। ये अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, इसको 2 3 बार देखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4, बोल रहा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपया है, इस पर 8% और 8% के दो सक्सेसिव बट्टा दिया जाता है, और इन दो सक्सेसिव बट्टों के स्थान पर विक्रेता 16% का एकमात्र बट्टा दे दे, तो उसे कितना लाभ और हानि होगा। ठीक है, एक बेरी 8% का दे रहा है, 8% का दो गो, तो ये भी फॉर्मूला लगाइए, 8% 8% और 8 मल्टीप्लाई बाई 8 बटे में 100, तो ये कितना हो जाएगा, 8 8 16 माइनस 16 प्लस 18 64 यानी 0.64, तो हो जाएगा माइनस आपको 15.36। पहला बट्टा इतना आ गया, जबकि दूसरा बट्टा कितना है, 16%। ठीक है, तो दूसरा बट्टा तो ज़्यादा है, यहाँ पर 16% का बट्टा दे रहा है, तो पहले नंबर तो इसको लाभ होगा नहीं होगा हानि। ठीक है, क्योंकि पहला में बट्टा दे रहा है 15.36 का, ठीक है, और दूसरा में दे रहा है 16% का बट्टा,
तो उसको तो हानि ही ना होगा मेरे दोस्त, क्योंकि ज़्यादा बट्टा दे रहा है तो कितना हानि हुआ इसका डिफरेंट देख लो। तो डिफरेंट हो गया आपको 0.64, तो 900 का 0.64%, यानी परसेंटेज के लिए बट्टे में 100, तो सुन्ना से सुन्ना गया, दो अंक के बाद दशमलव होगा तो दोनों में दो अंक के बाद दशमलव है, गुणा करना पड़ेगा, 9 चौके 36 और 9 छके 54 3 57, यानी 5.76 76, ठीक है, 5.76 हानि होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5। बोला है कि एक परीक्षा में चित्रा ने 58.5 यानी 58.5 अंक प्राप्त किए, जो 78% अंक प्राप्त करने के बराबर है। सिंपली दे दिया है कि 78% का वैल्यू जो है 58.85 है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि परीक्षा कितने अंक का था, तो 100% का वैल्यू निकाल लीजिए, तो ये हो गया 585.5 हटाएंगे तो 10, और बट्टे में 78 और मल्टीप्लाई बाई 100, कितना आ गया, 10 से 10 गायब, 13 छक्का 78, 13 5 65, 13 चौके 52 और 5 6 13 5 65 हो गया 45, तो 3 दूना 6 3 से 15 बार में, 15 दहा में 150 बट्टे में 2, यानी कि 75%, अच्छा 75 अंक, ठीक है, अंक पूछ रहा है कितने अंक, तो 75। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ जाते हैं। बोला है कि शीर्ष 4 1 1 1 3 5 द्वारा निर्मित त्रिभुज होगा, देखिए यहाँ पर त्रिभुज है, तीनों का आपको दिया है, शीर्ष ए मान लीजिए कि 4 1 दिया है, बी दिया है आपको 1 1 और सी दिया है 3 5, तो इसको हमें पता करना है कि कैसा त्रिभुज है। तो तीनों के बीच का डिस्टेंस निकाल कर देख लीजिए कि क्या रिलेशन आ रहा है। तो अगर ए बी के बीच का डिस्टेंस अगर निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर यानी x1 - x2 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो 1 - 4 यानी -3 का होल स्क्वायर, 3 3 9 और 1 - 1 0 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3। ए बी बराबर डिस्टेंस आ गया 3। अगर ए सी बराबर निकालना चाहें तो x2 - x1, तो 4 में से 3 गया 1 यानी -1 का होल स्क्वायर और 5 में से 1 गया 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये तो फॉर्मूला आना चाहिए आपको। दो दो पॉइंट के बीच का दूरी कैसे निकालते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो 16 1 17 √17। अब आइए बी सी, तो ये 3 में से 1 यानी 2 का स्क्वायर 4 और 5 में से 1 4, 4 का स्क्वायर 16, तो ये हो गया 20। देखिए तो यहाँ पर ये 3 अलग ही है, √17 अलग ही है, √20 अलग ही है, कोई रिलेशन ही नहीं बैठ रहा है, यानी कि ए बी नॉट इक्वल टू ए सी और ए सी नॉट इक्वल टू बी सी, कोई भी भुजा बराबर है ये नहीं है, तो आपका कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है, सिंपल है। थोड़ा सा आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए कि दो पॉइंट के बीच का दूरी कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला भी लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर दो पॉइंट है, मान लीजिए ये x1 है और ए y1 है, ठीक है, ए x2 है ए y2 है, तो फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ए और बी के बीच का ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 7। बोला है कि पॉल्सन जो है शहर ए से, अच्छा ए में रहता है और रॉबसन शहर बी में रहता है, वे एक ही समय एक ही मार्ग पर एक दूसरे के शहर में जाने के लिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। यहाँ मान लीजिए पॉल्सन का शहर ए है और रॉबसन का शहर बी है, ठीक है, ये पॉल्सन मान लो नाम लिख ही देते हैं और ए रॉबसन है, ठीक है, और बोल रहा है कि यात्रा शुरू करते हैं और रास्ते में कहीं मिलते हैं और फिर अपनी यात्रा जारी रखते हैं। रॉबसन से मिलने के बाद पॉल्सन को गंतव्य स्थान पर पहुंचने में 2 घंटा लगते हैं, पॉल्सन माना T1, यहाँ पर मान लेते हैं कि ये 2 घंटा ले रहा है, ठीक है, जबकि रॉबसन को पॉल्सन से मिलने के बाद पॉल्सन के शहर पहुँचने यानी ए तक पहुँचेगा तो ये 4.5 घंटा ले रहा है, यानी T2 रोज दिया है 4.5 दिया है। अगर रॉबसन ने 30 किलोमीटर पर आवर की गति से यात्रा करता है, यानी कि इसका चाल दे दिया है V2,
30 किलोमीटर पर आवर यात्रा की, तो पॉल्सन की गति, यहाँ पर पॉल्सन की गति V1 पूछ रहा है, ठीक है। तो जब भी यहाँ पर दो रास्ता यहाँ पर है, ए और बी, पॉइंट है, शहर है, ठीक है, और यहाँ पर मिला और मिलने के बाद अपने अपने शहर में जाने लगा, या ए जा रहा है इधर से, ठीक है, फिर मिला यहाँ पर, फिर जाने लगा, ए यहाँ पर मिला और ए फिर जाने लगा, तो इसके लिए एक साधारण और सिंपल सा ट्रिक होता है, और ट्रिक का कहने वो सूत्र ही होता है कि V1/V2 बराबर √T2/T1, उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो V1 कितना दिया है x, और V2 कितना है 30, और T2 कितना है 4.5, और T1 कितना है 2, आपका सवाल बन गया, ठीक है। तो ये 45 है, तो 0.5 हटा दो, यहाँ पर 20 कर दो, तो 5×9=45, 5×4=20, यानी आपका आ गया 9/4, यानी 3/2। तो x/30/3/2, यानी 30×90/2, x बराबर आपका कितना आ गया 45 किलोमीटर पर आवर। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि जब मिलने के बाद दोनों अपने अपने शहर जाने लगेगा, सॉरी, एक दूसरे के शहर जाने लगेगा, तो V1/V2 बराबर होता है √T2/T1, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 8। अगर इसके बारे में आपको डिटेल्स जानना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा सब्सक्राइबर 1 के जल्दी कंप्लीट करवाइए, ताकि जब मैं लाइव आकर इसको डिस्कस करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप अच्छे से समझ सकें, और जब मैं लाइव आने लगूँगा तो पूरे के पूरे टॉपिक और चैप्टर को चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाने लगूंगा और डिस्कस करने लगूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 की ओर पहुंच जाते हैं। बोल रहा है कि 1, 3, 6, 4 एवं 5 अंकों से रेंडमली 3 अंकों की एक संख्या बनाई जाती है, तो 5 से विभाज्य होने की परिकता देखिए। 3 अंकों की संख्या बनाई रही है, 1, 2, 3, और क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 से इसको विभाज्य होना चाहिए। तो 5 के विभाज्यता का नियम क्या होता है, यानी कि 5 से 5 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, कि उसके यूनिट डिजिट या तो 0 हो या फिर 5 हो, लेकिन यहाँ पर तो 0 है ये नहीं है, ठीक है, तो और क्वेश्चन आसान हो गया, तो यहाँ पर 5 भर देंगे। क्यों मेरे दोस्त? क्योंकि आपको विभाज्यता का नियम होता है 5 का, कि 5 से कोई संख्या विभाज्य कब होगी, जब उसके इकाई स्थान पर या तो 5 हो या फिर 0 हो, तो एक तो स्थान आपका पूर्ण हो गया, बचा दूसरा, तो इसको कितने तरीका से भर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, ठीक है। अगर इसको भरना चाहें तो आपके पास 4 तरीका है, और इसको भरना चाहें तो 1 घटा लीजिए, 3 तरीका है, ठीक है। तो ये आपका आ गया, इतना तो हो गया, लेकिन पूछ रहा है कि विभाज्य होने की परिकता क्या है। तो परिकता के बराबर क्या होता है, घटना वाली, यानी घटना घटने वाली संख्या बट्टे में घटनाओं की कुल संख्या, घटनाओं की कुल संख्या, ठीक है। तो घटना घटने वाली संख्या कितना है, 4, 3, तो 4×3=12, और घटनाओं की कुल संख्या कितनी है, 4×3=12 और 5×6=60, यानी 12/60, यानी 1/5। बहुत बेहतरीन सवाल है, ठीक है, 1/5 आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं। बोला है कि एक रेलगाड़ी, यानी V1 इसका दिया है चाल, इतना घंटा किलोमीटर पर घंटा की तेजी से T1 मान लेते हैं, 10 घंटे में अपनी यात्रा पूरी कर लेती है, यदि उसी दूरी को, यहाँ पर डिस्टेंस कांस्टेंट है, और T2 दिया है 8 घंटा, तो रेलगाड़ी की गति, यानी कि V2 ज्ञात करना है। तो डिस्टेंस सेम रहता है, तो आपको पता है V1 T1 = V2 T2, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं इस पर, क्योंकि डिस्टेंस सेम है तो ये फॉर्मूला लगता है। तो V1 कितना है 48, T1 10, और V2 पूछिए रहा है, और T2 दिया है 8, तो 8×6=48 और 10×6=60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि एक नदी के किनारे पर स्थित 15 मीटर ऊंचा एक घर बना है, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए कि ये नदी का किनारा है और यहाँ पर एक घर बना है, ठीक है, जिसका आपको डिस्टेंस दे दिया है कि 15 मीटर है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब बोला है कि नदी के विपरीत, नदी के दूसरे किनारा पर, यहाँ पर नदी का दूसरा किनारा है, ठीक है भाई, अरे ठीक है बोलो,
दूसरे किनारे पर स्थित एक चिमनी, यानी मान लीजिए चिमनी है, धुकधुकैया चिमनी है, अपन धुआं दे रही है, ठीक है, ये चिमनी है। चिमनी के सामने है उसका घर, जो है चिमनी के सामने है। घर की छत से चिमनी के तल का अवनमन कोण है, ये घर का छत्र है और चिमनी के तल का अवनमन कोण यानी ए वाला एंगल आपको दिया है 30 डिग्री, ठीक है। तो अगर इसको मिला दे इसके पाद को तो ये हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। बोल रहा है कि तल का अवनमन कोण 30 डिग्री है और घर के तल से चिमनी के शीर्ष का उन्नयन कोण, घर के तल से चिमनी के शीर्ष का उन्नयन कोण ए आपको 60 डिग्री है, ठीक है। तो अब पूछ रहा है कि नदी की लगभग चौड़ाई और चिमनी की ऊंचाई, ए डिस्टेंस और ए पूरा हाइट, ठीक है। बहुत ही आपका सिंपल क्वेश्चन है और आपको सिर्फ समझना है, ठीक है। अगर 60 का हम वैल्यू बैठाना चाहें तो यहाँ पर हो जाएगा √3/1, क्योंकि 60 डिग्री टैन 60 डिग्री बराबर क्या होता है, √3/1, ठीक है। और टैन 30 डिग्री बराबर क्या होता है, 1/√3, उल्टा होता है। और 30 डिग्री बैठाना चाहें तो 30 के सामने वाला लंब, तो ये हो जाएगा 1/√3, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 1 भी है √3 भी है, तो किसी एक मिनट में कर लो, तो 1 को हम बना देते हैं √3, यानी √3 से मल्टीप्लाई करके। तो जब 1 में √3 से मल्टीप्लाई किए तो इसमें भी √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो √3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो गया 3, ठीक है। ये हो गया 1, ये हो गया √3 और ये हो गया 3। अब सब कुछ आपको आ गया है और 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर दिया है 15, तो यहाँ पर √3 का वैल्यू पूछ रहा है और 3 का वैल्यू पूछ रहा है। तो चिमनी की ऊंचाई हो जाएगा 45 और चिमनी यहाँ पर नदी की चौड़ाई हो जाएगा 15√3। तो 15√3 और 45, 45 सिर्फ एक ही में ऑप्शन है, तो मार दीजिए ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर 15√3 को आप हल कीजिएगा तो 26 के आसपास आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, इसका भी अगर आपको डिटेल्स में वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करो और एक की मेरा जल्दी सब्सक्राइबर बढ़वाओ, क्योंकि मैं जब पूरे चैप्टर किसी एक स्पेसिफिक चैप्टर को लेकर आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिले और आप लाइव मेरे साथ पढ़ सके, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से एक सब्सक्राइबर करोगे तभी मैं लाइव आऊँ आकर पढ़ा सकता हूँ, इस प्रकार तो वीडियो अपलोड करता रहूँगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, बोला है कि एक संख्या 9:5 के अनुपात में है, ठीक है भाई, 9:5 के अनुपात में है, कोई दिक्कत नहीं, 9:5 के अनुपात में है। और बोला है प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया, यानी इसमें भी 8 जोड़ दिया, इसमें भी 8 जोड़ दिया, तो ये 5:3 हो जाता है। तो दोनों में जब 8 जोड़ रहे हो, जैसे देखो आपको ये एज प्रॉब्लम में बताए हैं, एज प्रॉब्लम का एक क्वेश्चन था कि मैं यहाँ पर भोजपुरी में बताए थे, ठीक है, मैं जब 10 साल का हूँ और मेरा भाई 15 साल का है और दोनों में हम 10-10 बरस जोड़ देते हैं, तो ये 20 बरस हो जाएंगे हम और मेरा भाई हो जाएगा 25 बरस। तो इसमें क्या आपको देखने को मिलता है कि मेरे और मेरे भाई के बीच का जो 10 वर्ष पहले डिफरेंट था 5 का, वहीं 10 वर्ष बाद भी डिफरेंट है 5 का, ठीक है। तो इसमें भी 8 जोड़े हैं और इसमें भी 8 जोड़े हैं, तो डिफरेंट आपको बराबर होना चाहिए, 9 और 5 में डिफरेंट होना चाहिए 4 का, तो 4 का ये है, 4 का होना नहीं चाहिए, मतलब 4 का है, और 3 और 5 में डिफरेंट है आपको 2 का, तो इसको भी 4 का करना पड़ेगा क्योंकि प्रत्येक में 8-8 जोड़ा गया है, ठीक है। तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो काम बन जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 5 × 10 और 3 × 6, तो 10 में से 9 गया 1 और 6 में से 5 गया 1, 1 यूनिट का वैल्यू आपको कितना दिया है, 8। तो आपसे पूछ क्या रहा है, अब पूछ रहा है कि दोनों में से बड़ी संख्या, तो दोनों में से बड़ी 9 है, तो 9 × 8 कितना हो जाएगा, 72, ठीक है। सिंपल है, थोड़ा सा इस कंसेप्ट और लॉजिक को समझना था, ठीक आपको। क्वेश्चन नंबर 12, बोला कि यदि श्रृंखला x1 x2 x3 .xn का अंकगणितीय माध्य 1 है यहाँ पर, तो x1/k x2/k x3/k और xn/k, यानी कि इतना का अंकगणितीय माध्य क्या होगा। तो जो संख्या में आपका एक किया गया है, जोड़ घटाव गुणा भागा जितना होता है औसत में, माध्य मतलब औसत ही होता है, ठीक है, तो उसको डायरेक्ट हम लोग औसत में कर देते हैं। यहाँ पर प्रत्येक संख्या में k से डिवाइड किया गया है, तो औसत कितना है, 1 है, तो औसत में आप k से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये सिंपल सा लॉजिक है। क्वेश्चन नंबर 13, बोला है कि एक राजा ने 8 किलो सोना और 2 किलो चांदी से एक मुकुट बनाने का आदेश दिया, और जो वो बनाने वाला था
सोना की कुछ मात्रा को निकाल लिया और उतना ही चांदी से बदल दिया, ठीक है, और 10 किलो वजन का मुकुट बना दिया। राजा जानता है कि पानी में सोना अपने वजन का 1/20वां अंश खो देता है, जबकि चांदी 1/10वां अंश खो देता है। जब पानी में मुकुट का वजन किया गया तो यह 9.25 किलो पाया गया, तो बनाने वाला था कितना सोना चोरी किया था। देखिए, अगर टोटल की बात किया जाए तो 8 2 10 केजी हो जाएगा टोटल वेट। टोटल वेट 10 केजी, ठीक है। 10 केजी में मान लो कि सोना आपका एक्स है। सोना, सोना कितना सोना है, तो चांदी कितना हो जाएगा, 10 माइनस x, ठीक है। और बोल रहा है कि सोना का 1/20वां हिस्सा खो देता है, यानी 1/20x प्लस चांदी का कितना हिस्सा, 1/10वां, तो 1/10 × 10 माइनस x, ठीक है। और टोटल कितना हो जाता है, 9.2 किलो पाया गया, तो कितना कमी आ गया टोटल में, इसमें तो 10 केजी था टोटल, और टोटल में से 9.25 केजी घटा दोगे तो कितना बच जाएगा, 0.75, 0.75, यहाँ पर पॉइंट है, ठीक है। तो इसको आप हल कर लो, हल करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 20 1/20x प्लस 10 10 कैंसिल, यानी x/10 माइनस हो जाएगा, -x/10 बराबर 0.75। तो ये कितना हो जाएगा, 20 में से 10 गया 10, इसका एलसीएम ले रहे हैं। अच्छा, 10 में से 10 यहाँ पर आप गुणा किए हो तो 1 प्लस हो जाएगा यार, और -x/10 हो जाएगा, आराम आराम से समझो, ठीक है। तो एलसीएम ले लो, ये हो गया 20, तो ये हो गया एक्स, ये हो गया +20, ये हो गया -2x बराबर 0.75। तो अगर इससे गुणा कर दो तो ये हो जाएगा एक्स -2x और 75 × 150 यानी 15, और 15 में से 20 आपको घटा दो, 15 में से 20 घटा दोगे तो -5 बच जाएगा, और ये हो जाएगा -x, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, आपका एक्स बराबर 5 आ गया। तो अब आपसे पूछ क्या रहा है कि सोना कितना चोरी किया, ठीक है। तो 8 किलो में 5 किलो दिया और 3 किलो चोरी कर लिया। अरे मेरे दोस्त, 8 किलो टोटल है और 5 किलो दिया, यहाँ पर एक्स का वैल्यू 5, तो 8 में से 5 यानी 3 किलो वो बंदा खा गया, सोना भी खाता होगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 3 केजी। नहीं समझ में आएगा तो आप लोग दोबारा देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 बोला, निम्न में से कौन एक संख्या परिमेय संख्या नहीं है, यानी कि अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो आपको पता है कि पाई एक इरेशनल नंबर है। बहुत लोगों के दिमाग में होगा कि नहीं यार, पाई का तो वैल्यू होता है 22/7, तो ये अपरिमेय कैसे हुआ, ठीक है मेरे दोस्त, एग्जैक्टली वैल्यू 22/7 नहीं होता है। क्वेश्चन बनाने के लिए मान लिया जाता है कि 22/7 है, ठीक है, या क्वेश्चन दे देता है, लेकिन पाई का वैल्यू आप डिटरमाइन नहीं कर सकते कि पाई का कितना वैल्यू हो सकता है। मिलियन ट्रिलियंस में चल गया इसका वैल्यू निकालते निकालते, कोई अपना जीवन बिता दिया है पाई के बारे में रिसर्च करते करते, लेकिन उसका एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं चल पाया, ठीक है, कि कितना तक जा सकता है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या माना जाता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 बोला, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 10 8 12 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाए। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, 999। अरे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन होता है, 999, और बोल रहा है कि इतना से भाज्य हो, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 4 3 12, 4 3 12, 12 2 9 24, 5 24 5 120, ठीक है। एलसीएम भी आपको डिटेल्स में सीखना है, निकालना शॉर्ट में, तो आप जल्दी से एक के मेरा सब्सक्राइबर करवाओ ताकि मैं लाइव आ सकूं और आपको ये सब चीज़ें सिखा सकूं कि आप शॉर्ट में एलसीएम कैसे निकाल सकते हो देखते देखते, ठीक है। तो एलसीएम हो गया, तो बोल रहा है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या इतना 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 से पूरी तरह विभाज्य हो, तो 120 से भाग दे दो 999 में, तो कितना बार में जाएगा, 12 8 96 यानी 8 बार में चल जाएगा 960, तो बचा कितना, 39। जबकि हमें बोल रहा है कि विभाज्य हो जाना चाहिए पूरा पूरा, तो 999 आपका बड़ी संख्या है और 39 आपका रिमाइंडर बच रहा है इसके एलसीएम से भाग देने पर, तो 999 में से आप 39 को हटा लो,
यानी कि 960 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं है यार, आप डिविडेंडिटी रूल से आप बना सकते हो, विभाज्यता के नियम से बना सकते हो, और एलसीएम और एचसीएफ का सवाल हमेशा ऑप्शन से करना चाहिए। 10, 8, 12 से पूरा तरह से विभाज होना चाहिए, मतलब कि इनमें डिजिट जीरो होना चाहिए, 10 से विभाज करेंगे तो। ठीक है, ये तो काम गया। और 12 है तो 3 से विभाज होना चाहिए, और 3 से विभाजता का नियम होता है कि उसका डिजिट सम भी 3 से विभाजित होना चाहिए, तो 9, 8, 17 ये भी गया, 9, 6, 15 यानी 5, 1, 6 ये हो रहा है। ठीक है, और 9, 4, 13, 3, 1, 4 नहीं हो रहा है। ठीक है, आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, 16 पर आते हैं। बोला है कि साई किसी काम को 17 दिन में कर सकता है, जबकि बिंदु इसे 51 दिन में कर सकता है। इसको थोड़ा सा आप लोग 360 पेपर करके देखिएगा, थोड़ा सा ये धुंधला हो गया है। साई 17 दिन ले रहा है, साई और एक कौन है, बिंदु। साई 17 दिन, बिंदु 51 दिन, तो टोटल काम कितना हो जाएगा? एलसीएम लेके टोटल वर्क कंसिडर कर लो, ये मान लीजिए टोटल वर्क हो गया, तो एफिशिएंसी निकाल लो, 17 * 51 और 51 * 51। ठीक है, अब बोल रहा है कि साई पहले दिन काम करता है और बिंदु दूसरे दिन, तो ये पहला दिन काम करेगा तो 3 यूनिट काम करेगा, और ये दूसरा दिन काम करेगा तो 1 यूनिट काम करेगा, तो अगर 2 दिन का इसका काम देखा जाए तो यहाँ पर 4 यूनिट काम कर रहा है। ठीक है, जबकि टोटल वर्क हमें 51 यूनिट है, तो समाप्त होने में यह क्रम जारी रहता है, तो काम को पूरा होने में कितना दिन? देखिए तो 51 के करीब पहुँचिए, तो 12 * 4 = 48, 48 यूनिट काम हो जाएगा। ठीक है, तो डे कितना लग जाएगा इसमें भी 12 से गुणा कर दो, 12 * 2 = 24 डेज। ठीक है, अब तो दोनों का काम कैंसिल हो गया, अब फिर कौन आएगा? साई आएगा। अरे मेरे दोस्त, 2 दिन का काम देखे थे कि साई और बिंदु, तो साई और बिंदु 24 दिन में इतना काम कर दिया, तो अब 25वां दिन जैसे होगा तो साई काम करेगा, क्योंकि अल्टरनेट कर रहा है, तो साई 1 दिन काम करेगा, तो इस ये हो जाएगा इसका 25 दिन। ठीक है, लेकिन 1 दिन में 3 यूनिट काम कर दे रहा है, तो 48 + 3 आपका 51 यूनिट काम कंप्लीट हो गया, तो टोटल डेज कितना लगा? 24 + 1 = 25 दिन। ठीक है, 25 दिन। टाइम एंड वर्क का भी पूरा वीडियो आपको चाहिए तो वहीं काम कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, बार बार कहना ठीक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है a + b = 1/√2 और sin a - b = 1/√2 हो तो cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर a का मान। देखिए तो sin a + b = इतना दिया है, तो इस ये कितना का वैल्यू होता है? sin 45 डिग्री का, तो a + b = कितना हो जाएगा? 45। उसी प्रकार ये भी 45 का, तो a - b = कितना हो जाएगा? 45। तो एक बारी ए निकालना है और एक बारी बी, तो ए निकालना है तो जोड़ के 2 से भाग, तो 45 - 45 = 90/2 यानी 45 डिग्री, और बी निकालना है तो घटा के 2 से भाग, तो 45 में से 45 गया 0/2 यानी कि 0। बी आ गया 0 डिग्री और ए आ गया 45 डिग्री, तो यहाँ पर 0 डिग्री पुट कर दो, कॉस स्क्वायर 0 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, तो कॉस 0 का वैल्यू होता है 1। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, और कॉस 45 का वैल्यू होता है 1/√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 1 - 1/2 यानी कि आधा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 बोला कि संध्या की शादी 6 वर्ष पहले हुई थी, मौजूदा इसका एज जो है शादी की समय के एज से 5/4 गुना है। देखिए शादी वाला है, जो भी छोटा होगा तो शादी वाला होगा, क्योंकि शादी के समय उसका एज जो रहा होगा कम रहा होगा, इसमें तो दिमाग अपने से एक्स्ट्रा लगाना नहीं है, और शादी के बाद है, शादी के बाद है, तो 5/4 डिफरेंट कितना का आ रहा है? एक का, जबकि क्वेश्चन में दिया है कि शादी 6 वर्ष पहले हुई थी, तो 1 यूनिट का वैल्यू 6, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना? 24, और 5 यूनिट का वैल्यू कितना? 30। ये शादी के बाद का है। ठीक है, तो अब बोल रहा है उसकी लड़की की उम्र जो है, उसकी उम्र का 1/6 है, तो उसका उम्र मौजूदा में जो देखेंगे शादी के बाद का, तो ये 30 है, और 30 का 1/6 कितना हो जाएगा? 30 का 1/6 कितना हो जाएगा? 5 बरीस। लॉजिक लगाओ यार, क्वेश्चन क्यों बनाने में लग जाते हो? इसका आपको स्क्रीन पर अगर क्वेश्चन देखो तो स्क्रीन पर ही देखते देखते उड़ा दो। जरूरी नहीं है कि 5/4 लिखो, 1 यूनिट लिखो, फिर 1 का वैल्यू 6 लिखो, फिर 4 का वैल्यू 24 लिखो, और 5 का वैल्यू 30 लिखो। नहीं, अगर क्वेश्चन सिंपल है तो देखते देखते आप स्क्रीन पर बना दो। क्वेश्चन नंबर 19 ठीक है,
देखिए बोल रहा है एक्स माइनस ए स्क्वायर बट्टे में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बी स्क्वायर। देखिए यहाँ पर प्रोसेस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर और ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक प्रोसेस की ओर चल रहा है, इसको बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, साइक्लिक है। ठीक है, तो तीन कब आएगा? अगर इस टोटल का वैल्यू हम यहाँ पर देखिए ना, अगर इस टोटल का वैल्यू हम वन पुट कर दें और इस टोटल का वैल्यू वन और इस टोटल का वैल्यू वन, तो वन प्लस वन 3 हो जाएगा। तो एक्स माइनस ए स्क्वायर बट्टे में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 1, तो क्या हो जाएगा? एक्स बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो आपका आंसर हो गया ए। या फिर दूसरा से पता कर सकते हैं, एक्स माइनस बी स्क्वायर बट्टे में ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है बराबर 1, तो हो जाएगा एक्स माइनस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और एक्स बराबर हो जाएगा माइनस है तो प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसी प्रकार तीसरा वाला से भी निकाल सकते हो, तो वहीं आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। आइए क्वेश्चन नंबर 20। बोला है कि 11 पूर्णांकों का औसत 30 है, यदि वे संख्याएं एक क्रम में आयोजित की जाए तो प्रथम 5 का औसत 25 है और अंतिम 5 का औसत 28 है, तो छठवीं संख्या। एक तो प्रोसेस हुआ कि टोटल योग निकाल दो, 11 × 30 टोटल का योग हो गया, और उसमें से घटा दो कितना, उसमें से आप घटा दो 25, 5 संख्या का योग हो जाएगा 25 × 5, और प्लस अंतिम 5 है तो 5 × 28। एक तो प्रोसेस ये हो गया जिस प्रोसेस से सब लोग बनाते हैं। ठीक है, लेकिन आइए कुछ नया सीखते हैं। 11 का दिया है आपको 30, 5 का दिया है 25, 5 का दिया है आपको 28, और छठवीं संख्या पूछ रहा है, यानी एक संख्या जो बच गया उसका पूछ रहा है, मान लो x। ठीक है, तो इसे हम लोग बोलते हैं -1 टाइप प्रॉब्लम। इसको हम एवरेज में समझाएंगे, अगर एवरेज चैप्टर पढ़ाएंगे तो। ठीक है, और एक होता है +1 टाइप प्रॉब्लम एवरेज में। वो क्या रहता है? वो दिया रहता है यहाँ पर छठवीं संख्या और छठवीं संख्या दोनों जगह दिया रहता है, छठवीं संख्या पूछ देता, या फिर पांचवीं संख्या पांचवीं संख्या पांचवीं संख्या पूछ देता, और यहाँ पर दिया है पांचवीं संख्या और छठवीं संख्या पूछ रहा है। ठीक है, तो मान लो कि टोटल का एवरेज 30 है, तो 30 को आप मेंटेन करो, तो 25 में आप कितना जोड़ोगे तो 30 हो जाएगा 5, लेकिन संख्या यहाँ पर 5 है तो 5 × 5। 28 से मेंटेन करो 30 को, तो 28 में 2 जोड़ोगे और संख्या टोटल 5 है तो 2 × 5, आपका आंसर आ गया 5 × 5 50 25 और 10 35 30 65। ठीक है, ये होता है शॉर्ट कट, और ये तो आपका बेसिक हो गया। क्वेश्चन नंबर 21। बोला है कि एक गोले को 2:3 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। एक गोला है, इसको 2:3 में विभाजित कर दिया गया है, बड़ा हिस्सा को एक शंकु के रूप में ढाला गया है। ठीक है भाई, बड़का हिस्सा जो है 3 वाला, उसको शंकु के रूप में ढाला गया है, जिसकी ऊंचाई जो है उसके आधार के त्रिज्या के बराबर है, जबकि छोटे हिस्से को एक बेलन के रूप में ढाला गया है, जिसकी ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या के बराबर है। तो शंकु के आधार की त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई का अनुपात, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। यहाँ पर पहले तो शंकु के रूप में ढाला गया है, तो शंकु का आयतन कितना हो जाएगा, 1/3 πr²h, और इसका दिया है 3 यूनिट बड़ा वाला। ठीक है, और बेलन का दिया है πr1² और h1। ठीक है, इसका सब r1 और h1 सब अलग अलग है, इसका दिया है 2 यूनिट। तो अब क्या, अब तो निकल गया पाई से पाई कैंसिल। बोल रहा है कि जिसकी ऊंचाई बेलन में डाला गया है, जिसकी ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या के बराबर है, शंकु के आधार की त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई का अनुपात तो एच आर के बराबर है, तो क्या हो जाएगा, 1/3 r³। ठीक है, और ये आर एच के बराबर है तो एच क्यू हो जाएगा, बराबर हो गया आपको 3/2, तो हो जाएगा 3 × 9/2, यानी r³/h³ बराबर 9/2। तो यहाँ पर r/h निकालेंगे तो क्यूबिक रूट हो जाएगा, क्यूबिक रूट 9 और क्यूबिक रूट 2, वैसा ऑप्शन देख लो, आपका आंसर आंसर नंबर 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22।
बोल रहा है 1,60,000 का, 21,25,000, 10,000 लाख, 1,60,000 की एक धनराशि को 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? यदि ब्याज की गणना जो है अर्धवार्षिक किया गया, यानी छमाही है, तो छमाही है तो आर हो जाएगा 5%, और समय तो बड़ा भयंकर आ गया, और समय 4 बार देगा यानी 4 टाइम्स, तो 4 ईयर। ठीक है, कोई बात नहीं, निकालो, कुछ जुगाड़ लगाओ। तो 1,60,000 कितना सुनना है? 4, 1, 2, 3, 4। अगर इसका मिश्रधन निकालें तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 21/20, तो 4 बार कर दो, 21/20 मल्टीप्लाई बाई 21/20 मल्टीप्लाई बाई 21/20 मल्टीप्लाई बाई 21/20, ये तो हो गया मिश्रधन। लेकिन पूछ रहा है कि ब्याज की गणना वार्षिक तौर पर होती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, तो इसमें से मूलधन को घटा दो, 16, 1, 2, 3, 4, तो ये कितना हो गया? 1, 2, 3, 4, और 2 चौके 2, 2 के 4, 2 के 8, 2 के 16, ये तो पूरा कैंसिल हो रहा है यार। यहाँ पर कुछ दिमाग, 21 का 4 बार गुणा करो, उसके बाद 1,60,000 घटाओ, या फिर दिमाग लगाओ। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर देखो मेरे दोस्त, यहाँ पर यूनिट डिजिट अगर देखा जाए तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 1, यानी यूनिट डिजिट जो है इसका 1 है और इसका यूनिट डिजिट है 0, तो 1 में से 0 जाएगा, तो यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए? 1, जबकि क्वेश्चन गलत सेट किया गया है, यहाँ पर सब दिया है 0। ये तो तुरंत पकड़ा गया, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। क्योंकि यहाँ पर देखो ना यार, इसका यूनिट डिजिट 1 हो गया और इसका 0, तो 1 में से 0 जाएगा, तो यूनिट डिजिट 1 आना चाहिए, जबकि सब में 0 0 दिया है। भयंकर यहाँ पर वो मिस्टेक किया है परीक्षा वाला, या भी जान पूछ कर ऐसा किया है कि भयंकर गुणा कौन करना जाएगा, जो बच्चा जानता है यूनिट डिजिट से वो तुरंत कर देगा, और जो गुणा भागा करना है वो करते रहेगा, गुणा भागा करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 24, आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, 23 बाकी है। बोला है कि समीकरण 2x² + 4x = 30 के रूट्स निकालें, आपको रूट्स निकालना है, तो इसको निकाल लो, 2x² + 4x - 30 = 0, तो ये हो जाएगा x² 2 कॉमन ले लिए, +2x - 15 = 0, तो 15 को ऐसे 2 भाग में तोड़ो कि गुणा करने पर 15 आ जाए और जोड़ने घटाने पर 2 आ जाए, 5 3 5 - 3। ठीक है, अरे 5 3 15 - 15 आ गया, और 5 में से 3 गया तो 2 आ गया। ठीक है, तो आपको पता है कि जब हम लोग रूट्स लिखते हैं उसका मूल शून्यक बोला जाता है, हिंदी में शून्यक लिखते हैं, तो इस साइन को चेंज कर देते हैं, तो साइन हो जाएगा -5 और +3। ठीक है, आपको सब चीज़ सिखा दूंगा यार, बस मुझे सपोर्ट करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24। बोला है रमेश बैंक से 7,000 साधारण ब्याज पर उधार लेता है, 3 वर्षों के बाद वो बैंक को 3,000 देता है। ठीक है, 3 वर्ष के बाद 3,000 दिया, तो 3 वर्ष तक तो इतने पर साधारण ब्याज दिया रहा था ना, 7,000 मूलधन है उसका, मान लीजिए कि इतना रुपया लिया, तो 3 वर्ष यानी 3 r% 3 r% दिया। उसके बाद कह रहा है कि तथा शुरुआत से लेकर 5 वर्षों तक, वर्षों के अंत तक वो 5,450 अदा करता है, तो 2 वर्ष में कितना दिया? 2 वर्ष तक, 3 वर्ष में तो 3,000 दिया, और अगला नहीं बोल रहा है 5 वर्षों तक, तो 3 वर्ष तो हो गया, अब बचा 2 वर्ष, तो हो जाएगा 2 r%, और राशि कितना हो जाएगा? 7,000 में 3,000 दे दिया, तो बचा 4,000। ठीक है, और टोटल आपको 5,450 अदा किया, तो 5,450 में 4,000 अदा कर दिया, तो उसके पास बचा कितना? 1,450। ठीक है, बस इसी को सोल्व कर लो, कितना हो जाएगा? परसेंटेज से डबल चिन्ह खत्म, सोल्व करने भी आपको आना चाहिए, 17 के 21 210 r + % और डबल चिन्ह खत्म, और 40 × 80 r = 1,450, तो 101 101 खत्म, 21 8 29 r = 145, 29 5 होता है क्या? 5 9 45, 5 2 के 10 4 14, ठीक है, r = 5 हो गया, 29 5 145 यानी 5%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, आज का लास्ट क्वेश्चन। बोला है कि पाई चार्ट
भारत में मोबाइल निर्माता कंपनियों के बारे में जानकारी देता है। सभी कंपनियों द्वारा निर्मित कुल मोबाइल फोनों की संख्या इतना है। तो पूछा क्या है, किस कंपनी द्वारा सबसे ज्यादा मोबाइल फोन निर्मित किया गया, कौन है सबसे ज्यादा, 28, 25, 25, 25, 30? तो आपका आंसर हो जाएगा एलेमेन कंपनी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। जो परसेंटेज ज्यादा रहेगा वही ज्यादा निकलेगा, ठीक है। तो ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका पार्ट कितना हो जाएगा, ये 3 हो गया, तो 4 लेकर यानी 4 प्रैक्टिस सेट का सोल्यूशन लेगा। थैंक यू वेरी मच चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और लाइक करने के लिए और पूरा वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।